अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काजमी और आप देख रहे हैं काजमी अली का। दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट मुझे मिलते हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे दोस्त रब्ता करते हैं कि 4K बॉक्स कौन सा अच्छा है। तो आपके सामने ये दो बॉक्स पड़े हुए हैं, एक स्टारसेट X1 Pro है और एक अलीबाबा है। तो आज मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होने वाला है आज, और कुछ हैरानकुन चीज़ें भी आपके सामने आएंगी। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं स्टारसेट से। स्टारसेट X1 Pro 4K रिसीवर है, एंड्रॉयड बॉक्स है, और इस वक्त इसकी जो मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 25,000 है, 25,000 है। और ये भी एक 4K बॉक्स है, इसकी इस वक्त मार्केट प्राइस जो है तकरीबन 14,000 है। इनमें अगर प्राइस में डिफरेंस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है प्राइस में, और उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्टारसेट X1 Pro एक पॉपुलर कंपनी है जिसकी काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इनकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी है, जबकि अलीबाबा न्यू ब्रांड है और इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। मे बी अदर एशियन कंट्रीज़ में भी ये अवेलेबल हो, बहरहाल ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था हमारे पाकिस्तान में। इस वजह से लोग ये समझते हैं शायद ये ब्रांड अच्छी नहीं है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, इसके सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेंगे हमें। तो आज जो इसका सबसे बड़ा राज है वो मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ, उसके बाद आप दोस्त खुद डिसीजन कर लेंगे कि हमें ये वाला बॉक्स लेना चाहिए या ये वाला बॉक्स लेना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे होते हैं कि हम अगर अलीबाबा में स्टारसेट वाला सॉफ्टवेयर करें तो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो कोई नहीं है, सॉफ्टवेयर इन दोनों का सेम ही है, जस्ट रिमोट का फ़र्क है। तो इसका सॉफ्टवेयर इसके ऊपर चढ़ाने से फ़ायदा कोई नहीं है आपको, सॉफ्टवेयर तो हो जाएगा लेकिन फिर रिमोट भी इसका लगाना पड़ेगा आपको, तो लिहाजा उसका फ़ायदा कोई नहीं है। इन बॉक्सेस को मैं ओपन करता हूँ, आज मैं आपको दिखाता हूँ इनके अंदर क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आप इनकी जो है पोर्ट्स देख लें, ट्यूनर हो गया, ट्यूनर हो गया जी, SPDIF है, ऑडियो वीडियो है, और उसके बाद जी ये HDMI पोर्ट है, उसके बाद USB के नीचे कार्ड रीडर, लैन पोर्ट है, और एक और USB है यहाँ पे, और साथ में DC जैक है। क्या आपको इनमें से कोई डिफरेंस नज़र आता? मेरे ख्याल में इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे के वैसे ही हैं। जस्ट अगर डिफरेंस है तो यहाँ पे इन्होंने एक एंटीना की पोर्ट दी हुई है वाईफाई एक्सटेंड करने के लिए, एक्सटर्नल एंटीना दिया हुआ है, और इसमें वो नहीं है, इसमें बिल्ट इन है। ये थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन ये दिखावे के लिए। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा जो दोनों बॉक्सेस हैं उनमें कार्ड सेम लगा हुआ है। यही चीज़ मैं आपको जो है ये बॉक्स ओपन करके दिखा देता हूँ, ताकि वो दोस्त जो स्टार सेट अफोर्ड नहीं कर सकते वो अलीबाबा परचेज कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है क्योंकि इनमें बोर्ड सेम ही है, एक ही कंपनी का बना हुआ बोर्ड है, जस्ट बाहर से ब्रांड नेम चेंज है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका बोर्ड स्लो है, इसका बोर्ड फास्ट है, इसका सॉफ्टवेयर फास्ट है, इसका सॉफ्टवेयर स्लो है। सॉफ्टवेयर में 19-20 हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी भी वही है जो बोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लिहाजा उसमें भी किसी किस्म का डाउट नहीं रहता।
इसमें भी पावर वीयू वर्किंग है, इसमें भी पावर वीयू वर्किंग है। अलबत्ता अब क्योंकि ये बॉक्स अब मार्केट में अवेलेबल है, चल पड़ा है, तो इन्होंने अपोलो आईपीटीवी का जो फ्री पीरियड था वो कम कर दिया है, जबकि अलीबाबा ने फिलहाल अभी तक 1 ईयर पूरा ही दिया हुआ है, इन्होंने 6 मंथ कर दिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, दोनों बॉक्स ओपन हो गए और सबसे पहले देख लेते हैं स्टारसैट को। प्रीवियसली मैं इसकी एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ, उसमें मैंने बोर्ड भी दिखाया है और बोर्ड के साथ मैंने इसके वोल्टेज टेस्ट पॉइंट भी सारे जो हैं मेंशन किए हैं वीडियो में, ताकि हमारे जो रिपेयरिंग करने वाले दोस्त हैं उनके लिए आसानी रहे। ये है जी बॉक्स। और इसी तरह अगर हम अलीबाबा के बॉक्स को देखें तो ये अलीबाबा का बॉक्स है। अब देखें इनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है, कोई भी फ़र्क नहीं है इनमें, सिर्फ 19-20 एक फ़र्क है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो फ़र्क नहीं काउंट किया जाएगा। इसका बोर्ड बाहर निकाल लेते हैं। इनका जो फ्रंट डिस्प्ले है दोनों का, वो भी सेम है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। इनके जो मेन बोर्ड है इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, इसका जो ट्यूनर है इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो कहाँ पे है वो भी मैं आप दोस्तों को जो दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, आपके सामने है ये स्टारसैट X1 प्रो का बॉक्स बोर्ड है और ये अलीबाबा का बोर्ड है, ठीक है। दोनों में जो ट्यूनर दिया गया है वो सेपरेट हो जाता है, यानी ये अलग से दिया गया है, ये अलग हो गया इसका और ये अलग हो गया इसका, ठीक हो गया जी। ये अब ट्यूनर को ही खाली देख लें तो ट्यूनर पे जो नंबर लिखा हुआ है KB6160, KB6160, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ये जो पीसीबी बनाई गई है ये ड्यूअल ट्यूनर के लिए बनाई गई है, इसका ट्यूनर इस साइड पे है, इसका इस साइड पे है, यानी यहाँ पे एक और ट्यूनर लग सकता है, यहाँ पे एक और लग सकता है, ये ड्यूअल ट्यूनर के लिए डिज़ाइन की गई है। अब इसमें और इसमें देखें तो आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। मेन चिप इसकी हो गई, रैम हो गई इसकी, EMMC हो गई, और इसमें जो ये एंड्रॉयड की चिप लगी हुई है ये हो गई, ये सारी सेम है। इसके अलावा इसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और बाकी कंपोनेंट जितने भी हैं, वोल्टेज मेजरमेंट इसकी, कॉइल्स, सारी बिल्कुल सेम है। हत्ता के ये देखें, ये यहाँ पे टेप लगाई हुई है USB पोर्ट के ऊपर, यहाँ पे भी टेप लगाई हुई है, इतनी रिजेम्बलेंस है इसमें, बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। एक छोटा सा जो फ़र्क है वो ये है कि इस बोर्ड की डिज़ाइनिंग जैसे मैंने क्या आपको कहा है कि ड्यूअल ट्यूनर के हिसाब से की गई है, तो बस यही फ़र्क है। इसमें जो है कंपोनेंट इस साइड पे लगे हुए हैं, उसमें कंपोनेंट इस साइड पे लगे हुए हैं, क्योंकि ये दूसरे ट्यूनर की जगह है। अगर ये ड्यूअल ट्यूनर के साथ आएगा तो इसमें यही बोर्ड यूज़ होगा ड्यूअल ट्यूनर में भी, और मे भी मार्केट में मैंने नहीं देखा इसका नेक्स्ट वर्जन जो है वो ड्यूअल ट्यूनर में शायद आ भी चुका हो। ये इसका बोर्ड है जी, और बैक साइड भी देख लें, बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ये उन दोस्तों के लिए जो दोस्त कहते हैं कि अलीबाबा सही नहीं है, ठीक है, उन दोस्तों के लिए है। अगर अलीबाबा सही नहीं है तो फिर स्टारसैट भी सही नहीं हुआ, अगर स्टारसैट सही है तो फिर अलीबाबा भी ठीक है, ठीक है। वो लोग जो इतना बजट अफोर्ड नहीं कर सकते, और मैं कहूँगा कि पैसे जो हैं वो ज़ाया नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये हमें मिल रहा है सस्ता और वो हमें मिल रहा है इतना महंगा, उसके लिए इतनी तगड़ो करनी पड़ेगी, ये वही चीज़ हमें मिल रही है, मेरे ख्याल में ये वाला परचेज़ करना चाहिए।
अब चॉइस आप दोस्तों के ऊपर है। बहरहाल अलीबाबा इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, और वो खालिद भाई हमारे कराची वाले जो हैं उनके पास ये स्टॉक अवेलेबल है। अगर कोई दोस्त वहाँ से लेना चाहें तो वो आपको होम डिलीवरी पे भी मिल जाता है, और ऑलरेडी भी काफ़ी दोस्त उनको जानते भी हैं और उनसे मंगवाते भी रहते हैं। एतमाद के बंदे हैं वो, अच्छे बिजनेसमैन हैं। बहरहाल ये आप दोस्तों के साथ शेयर करना था। आप दोस्तों को आज वो कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होगा, कि दोनों बॉक्स जब सेम हैं तो साफ ज़रा इनकी परफॉर्मेंस भी सेम होगी, क्योंकि इनकी रैम सेम है, मेन चिप सेम है, पोर्ट्स सेम हैं। जस्ट जो स्टारसैट ने थोड़ा सा वो ड्रामा किया हुआ है, वो ये एरियल बाहर निकाला हुआ है ये वाला, जबकि लगता वैसे ही बोर्ड पे ही है। जबकि अलीबाबा वालों ने क्या किया है कि वो एरियल को उन्होंने यहाँ पे चस्पा कर दिया, तो ये अंदर है इसका एंटीना, और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ये यूँ समझ ले बस दिखाने वाली चीज़ें हैं कुछ, कि उनमें जो है डिफरेंस पैदा किया जाए थोड़ा सा दिखने में भी, ताकि मुख्तलिफ नज़र आएँ, बल्कि अंदर से सेम है। तो आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम लोग नोट करते हैं, और मेरे पास खुशकिस्मती से कह लें कि दोनों बॉक्स अवेलेबल हैं इस वक्त, आए हैं मेरे पास कहीं से, तो मैंने फिर इनको देख के आप दोस्तों के साथ ये शेयर किया है, ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए जो दोस्त कह रहे थे कि अलीबाबा सही नहीं है। ठीक हो गया, आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हो गया होगा, और आप दोस्तों को काफ़ी क्लियर भी हो गया होगा, और कुछ हैरानगी भी हुई होगी कि एक चीज़ हम 14,000 में ले रहे हैं, दूसरी हम ले रहे हैं 25,000 में, जबकि चीज़ सेम ही है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनीज जो हैं ऐसे ही करती हैं, कंपनी अपना नाम कमाती है और प्राइस अपनी मर्ज़ी की रखती है। इसमें कोई शक नहीं है कि स्टारसैट एक अच्छी कंपनी नहीं है, उसकी ऑफिशियल सपोर्ट भी अच्छी है, लेकिन हार्डवेयर के हवाले से देखा जाए तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इस हवाले से दोस्तों को जो है कंपैरिजन करना चाहिए, प्राइस के हवाले से हार्डवेयर तो बिल्कुल सेम है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों के नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।